क्या आप टिकटॉक यूजर हैं? तो आपके लिए बहुत अच्छी खबर है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप टिकटॉक यूजर हैं तो आपके लिए भी ये खबर बहुत ही अच्छी है और बहुत ही खुशखबरी भरी खबर है। टिकटॉक के ऊपर जो 3 हफ्ते पहले हमारा बैन लगा था, वो हमारा बैन अब हटा लिया गया है। जी हाँ दोस्तों, 3 हफ्ते पहले मद्रास हाई कोर्ट ने टिकटॉक ऐप के ऊपर एक बैन लगा दिया था, क्योंकि उसके ऊपर कुछ पोर्नोग्राफिक कंटेंट्स अपलोड किए जा रहे थे जो कि बच्चों की सेहत के ऊपर बहुत ही गलत प्रभाव डाल रहे थे। तो वो मद्रास हाई कोर्ट ने वो टिकटॉक के ऊपर जो बैन लगाया था वो दोबारा से अब रिवर्स कर लिया और टिकटॉक के ऊपर जो बैन लगा हुआ था वो हटा लिया गया। जी हाँ दोस्तों, लेकिन मद्रास हाई कोर्ट ने उनको एक हिदायत दी है कि जो टिकटॉक ऐप यूजर है उनको एक हिदायत दी है कि टिकटॉक ऐप के ऊपर किसी प्रकार का अब कोई पोर्नोग्राफिक कंटेंट्स अपलोड नहीं होना चाहिए। अगर कुछ ऐसा कंटेंट्स अपलोड होता है तो दोबारा से टिकटॉक ऐप को बैन कर दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, और टिकटॉक डेवलपर से भी एक एफिडेविट फाइल करवाया गया है जिसमें ये लिखा है कि टिकटॉक ऐप को 18+ से ही जो एज के लोग हैं वही डाउनलोड करें और उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई कंटेंट पोर्नोग्राफिक कंटेंट अपलोड नहीं होना चाहिए। टिकटॉक डेवलपर से भी ये एफिडेविट फाइल करवाया गया है। तो टिकटॉक डेवलपर अब क्या चेंजेस उसके अंदर करते हैं ताकि वो 18+ के एज के लोग उसको यूज कर सके, कोई उसको डाउनलोड कर सके और किसी प्रकार का कोई पोर्नोग्राफिक कंटेंट अपलोड ना हो टिकटॉक ऐप के ऊपर हो सके। क्या वो उसके अंदर चेंजेस करते हैं, क्या वो उसके अंदर फिल्टर लगाते हैं, क्या वो कंट्रोल उसके ऊपर करते हैं, ये वही जाने। लेकिन टिकटॉक ऐप यूजर के लिए ये बहुत ही खुशखबरी है कि टिकटॉक ऐप दोबारा से स्टार्ट हो गया है और आपसे दोस्तों यही हिदायत है कि आप टिकटॉक ऐप का सदुपयोग लीजिए, उसके ऊपर अपने जो भी आपके अंदर टैलेंट है आप उसको अपलोड कीजिए, ना कि किसी प्रकार का कोई पोर्नोग्राफिक कंटेंट्स आप उसके ऊपर अपलोड कीजिए। ये हमें एक मान लीजिए गोल्डन चांस मिला है, हमारे ऐप के ऊपर जो बैन लगा था वो हटा लिया गया है। तो अब आपको केवल टिकटॉक ऐप के ऊपर बिल्कुल से ये मान लीजिए साफ सुथरे वीडियो आपको अपलोड करने हैं, किसी प्रकार के कोई आपको पोर्नोग्राफी से संबंधित कोई भी वीडियो अपलोड नहीं करने हैं। और ये कैसा पता है लगाए कि जो टिकटॉक ऐप डाउनलोड कर रहे हैं वो यूजर 18+ एज का है या फिर वो पोर्नोग्राफिक कंटेंट अपलोड नहीं करेगा। तो देखिए दोस्तों, आपकी क्या राय है, कैसे इसको सुचारू रूप से चलाया जाए और क्या इसके ऊपर कंट्रोल किया जाए, ये सारी चीजें आप कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा माध्यम से शेयर कीजिए, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, टेलीग्राम, जो भी सोशल साइट्स आप यूज करते हैं, जो भी सोशल नेटवर्किंग आप यूज करते हैं, सब के माध्यम से आप इस वीडियो को शेयर कीजिए और सब तक फैला दीजिए ताकि हर इंसान को यह पता लग सके कि टिकटॉक के ऊपर जो बैन लगा हुआ था वो हटा लिया गया है और उसका क्या नियम रखा गया। अगर अब हम किसी प्रकार का कोई पोर्नोग्राफिक कंटेंट उसके ऊपर अपलोड करेंगे तो हमारा टिकटॉक दोबारा से बैन हो जाएगा। और दूसरी शर्त ये रखिए कि जो टिकटॉक ऐप को डाउनलोड कर रहा है वो यूजर 18+ एज का होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ये कैसे कंट्रोल किया जाए ये सभी आप लोग एक कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। हो सकता है आपका कमेंट्स टिकटॉक डेवलपर के कोई काम आ सके और टिकटॉक डेवलपर आपके कमेंट्स को ध्यान में रखते हुए टिकटॉक ऐप में किसी प्रकार का कोई ऐसा फिल्टर लगा सके जिससे उसको 18+ के लोग ही डाउनलोड कर पाए और किसी प्रकार का कोई पोर्नोग्राफिक कंटेंट अपलोड हो तो उसमें को फिल्टर वैसे ही उस वीडियोस को अपलोड ही ना होना दे। तो दोस्तों, ये कमेंट्स आप ज़्यादा से ज़्यादा करिए और अपनी राय जरूर बताइए कि इसको हम किस प्रकार से रोक सकते हैं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैला दीजिए, हर एक इंसान के मोबाइल के अंदर ये वीडियो फैला दीजिए ताकि सभी अपने सजेशन दे सके और टिकटॉक ऐप को सुचारू रूप से कैसे चलाया जाए ये सारी चीज़ें वो कमेंट्स के माध्यम से बता सके। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, यही अपडेट्स निकल के आया था तो सोचा आपके साथ शेयर किया जाए। और हाँ दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो नीचे जो सब्सक्राइब बटन है उसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ साथ में बेल अलर्ट को भी एक्टिवेट करना मत भूलिएगा। दोस्तों, अगर आप बेल अलर्ट एक्टिवेट करोगे तो जब भी हम नया वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका इंटीमेशन सबसे पहले आप ही को मिलेगा और आप हमारा वीडियो सबसे पहले देख पाओगे।